आज मैं आप लोगों को अपनी एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। तो आप सब लोगों को तो पता है कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ और बच्चे मेरे घर पढ़ने आते हैं, और जो बच्चा मुझे पसंद आ जाए मैं उसके ऊपर हाथ भी साफ कर लेती हूँ। ऐसे ही एक बच्चे के साथ, जिसके साथ मैंने फुल इंजॉय किया, उसके साथ मैंने लेकिन कुछ ही दिन इंजॉय किया और उसके बाद वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए और वो लोग चले गए। तो मैं आप लोगों को फुल उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। तो उस बच्चे का नाम अरसल था। वो मेरी ट्यूशन के अंदर पढ़ने आता था। उसका रंग काफ़ी साफ था, सुर्ख होंठ, लंबा कद था और काफ़ी दिखने में प्यारा था। उसकी उम्र होगी कोई 15 साल, 15 साल होगी, या 15.5 साल होगी। मैं देखती थी तो वो भी मुझे अक्सर देखता होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मुझे काफ़ी पसंद करता और मैं भी उसे काफ़ी पसंद करने लग गई थी, क्योंकि मुझे जिससे प्यार हो जाए उससे तो फिर मैं हासिल करके छोड़ती हूँ। मैं अक्सर जब उसकी तरफ देखती थी फ़ौरन वो भी मेरी तरफ़ देखता था। मैं जितनी देर उसकी तरफ देखती रहूँ वो भी मेरी तरफ़ देखता रहता। तो मैंने ऐसे ही उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। एक दिन उसको सबक याद नहीं था तो मैंने उसे कुछ चीज़ें समझानी भी थी, तो बच्चे सारे चले गए और वो और मैं अकेले बैठक में बैठे हुए थे। तो मैंने उसे सबक समझाने के साथ साथ और भी बातें पूछना शुरू कर दी कि आप लोगों को मतलब स्कूल वगैरह में एजुकेशन दी गई है, ऐसी मतलब कि बातें उसे पूछना शुरू कर दी। और वो भी थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसके बाद उसने मेरे साथ खुश हंसकर बातें शेयर करना स्टार्ट कर दी। और उसकी तो मेरे ऊपर पहले से नीयत ख़राब थी। तो वो मुझे कहता कि टीचर जी देखिए, आपके हस्बैंड तकरीबन 2 महीनों बाद आते हैं या 1.5 महीने बाद आते हैं, तो आप इतना टाइम मैनेज कैसे करती हैं। तो मैंने भी उसे खुल के बताना शुरू कर दिया कि मेरी तो बिल्ली तरस जाती है, कोई प्यास बुझाने वाला नहीं है, काश कोई प्यास बुझाने वाला हो। तो वो कहता कि आप मेरे साथ कर लें। पहले तो मैं जानबूझ के करना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन जानबूझ के कहा कि ये आप क्या कह रहे हो। तो वो कहता टीचर को आपका भी तो दिल है ना मेरे ऊपर, आप भी मुझे देखती रहती हैं, मैं भी आपको देखता रहता हूँ, तो आपकी प्यास बिल्ली भी है, प्यास बुझाने वाला कोई भी नहीं है, और मेरा तो हथियार भी काफ़ी पावरफुल और बड़ा है, तो आपको ज़रूर मज़ा देगा, आपको ऐसे झटके देगा कि आप याद करेंगे सारी ज़िंदगी। तो मेरी बिल्ली में फ़ौरन प्यास मच चुकी थी, लेकिन तब उस टाइम टाइम काफ़ी हो गया था, तो उसके जाने का टाइम था। तो उसने कहा तो हम किस दिन करें। तो मैंने उसे कहा कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है, आपने कहीं जाना तो नहीं। तो वो कहता कि नहीं मैंने तो कहीं नहीं जाना होता, आप बता दें बस, जब आपका टाइम होगा मैं आ जाऊँगा संडे वाले दिन। तो हमने संडे वाले दिन रख लिया। संडे वाले दिन पहले तो सुबह का टाइम डन था, लेकिन सुबह टाइम वो कह रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब कुछ अर्जेंट काम है। तो उसने मुझे मैसेज करके बता दिया कि मैं दोपहर के वक्त आ जाऊँगा। तो मैं भी दोपहर के वक्त नहा धो लिया, उसके लिए कुछ खाना भी बना लिया। मैं नहा धोकर कपड़े छपड़े पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, खुशबू लगाकर, बड़ा वगैरह पहनकर और बैठ गई। तो बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो वो साहब आए थे और तशरीफ ले आए थे। मैंने उससे पहले हाल चाल पूछा, उसे कहा कि आप कुछ खाएंगे। तो कहता नहीं नहीं खाना कुछ भी नहीं है, मैं तो आप क्यों खातर वजन कर रही हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं खा लो। तो उसने पहले खाना पीना खा लिया, उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ले आई। जैसे ही मैं उसे अपने कमरे में लेके आई, मैं उसके साथ फ़ौरन चिपक गई और हम दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। दोनों एक दूसरे से गले लग गए और आहिस्ता आहिस्ता उसने होंठों के ऊपर मेरे किसिंग करना स्टार्ट कर दी। उसके इतने रसीले होंठ थे और मेरे भी इतने रसीले होंठ हैं, तो हम दोनों ने एक दूसरे के होंठ चूसने शुरू कर दिए। उसने भी चूसने शुरू कर दिए, मैंने भी चूसने शुरू कर दिए। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बेड के ऊपर लेटा दिया। उसके बाद मैंने भी उसे बेड के ऊपर लेटा दिया और उसके ऊपर हल्के हल्के हाथ फेरने शुरू कर दिए, कभी टांगों से और उसने मेरे ऊपर भी, और मैंने उसके ऊपर भी, कभी टांगों तक, कभी पेट तक, कभी वो मेरी बिल्ली के ऊपर हाथ फेरता, कभी मेरे आमों के ऊपर हाथ फेरता, जिसके ऊपर उसका दिल करता उसके ऊपर मेरे हाथ फेरता जाता था। उसके बाद उसने फिर मुझे उतारने का कहा, तो मैंने उतार दिया सब कुछ उसके सामने। उसके बाद मैंने भी उसका सब कुछ उतार दिया, तो हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए और चिपक कर भी होंठों पर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसे ही मेरी बिल्ली में इस कदर प्यास मच चुकी थी कि उसने कहा कि मैं आपको मुंह से मज़े दूँ सबसे पहले। तो मैंने कहा हाँ दो, जो मर्जी करो। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और उसे कहा कि जो मर्जी करो।
तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगें खोली और अपना हथियार बिल्ली की तरफ लाना शुरू कर दिया, और मैं भी कुछ आवाज़ें मारना शुरू हो गई, और उसके बाद उसने काम शुरू कर दिया। इस तरह से हम लोग इंजॉय करते रहे करते रहे। तकरीबन 3 बार हम फारिग हुए। टाइम कम था क्योंकि उसने भी वो घर से ये कह के निकला था कि मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, तो वो 2 घंटे तो होने वाले थे। हमने फुल इंजॉय कर लिया, और उसके बाद अगले संडे का भी हमने डन किया। अगले संडे को भी हमने इसी तरह से मज़े लिए और उसने मुझे इसी तरह से मज़े दिए। तो उसके बाद फिर वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए और मुझे फिर दोबारा मौका ना मिल सका। और भी इससे मज़ेदार बहुत सारी कहानियाँ, इससे भी बहुत मज़ेदार मेरे और स्टूडेंट्स की, तो मैं आप सब लोगों को वो भी सुनाऊंगी। तो आप लोग इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।